आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी की खबरें बी टाउन की गलियारों में छाई हुई हैं। हालांकि शादी को लेकर कपल या फिर उनके परिवार की तरफ से अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया है। हाल ही में बताया गया कि आलिया और रणबीर आरके हाउस में साथ फेरे लेंगे। पिछले कुछ दिनों से कपल की शादी को लेकर अलग अलग तरह के अपडेट सामने आ रही हैं। अब रणबीर और आलिया की शादी को लेकर रणधीर कपूर ने चौंकाने वाला रिएक्शन दिया है। रणबीर के चाचा रणधीर कपूर ने बताया कि उन्हें शादी को लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत में रणधीर ने कहा, मैं अभी मुंबई में नहीं हूं और मैंने शादी के बारे में कुछ नहीं सुना है। अगर हमारे घर पर इतनी बड़ी शादी हो रही होती तो कोई ना कोई मुझे फोन करके निश्चित रूप से बताता। वहीं सेलिब्रिटी मेहंदी आर्टिस्ट वीना नागदा ने बताया, किसी ने मुझे अभी तक कॉन्टैक्ट नहीं किया है। मेरी तो कुछ दिन पहले आलिया से मुलाकात हुई थी, लेकिन उसकी तरफ से शादी के बारे में कुछ नहीं बताया गया। अगर इस महीने में शादी हो भी रही है तो ये मेरे लिए बहुत शॉर्ट नोटिस होगा। पहले कहा जा रहा है कि 13 से 17 अप्रैल के बीच रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी के फंक्शंस शेड्यूल हुए हैं। इस ग्रैंड वेडिंग में फिल्म इंडस्ट्री के कई दिग्गज कलाकार शामिल होने जा रहे हैं, जिनमें अर्जुन कपूर, आदित्य राय कपूर, अयान मुखर्जी, करण जौहर और कई बड़ी हस्तियों के नाम शुमार है। दोनों की प्री वेडिंग फेस्टिविटीज और ग्रैंड शादी चेंबूर स्थित आरके हाउस में होगी। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है, नीतू कपूर को इन दोनों की शादी के बारे में रणधीर कपूर को बताना चाहिए था या नहीं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।